सौंपा ज्ञापन, समस्याओं का निस्तारण करने की मांग उठाई। ग्राम प्रधानों ने जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन, 15 सूत्रीय मांगों को लेकर उठाई गई आवाज। भूमाफियाओं के हौसले बुलंद, आबादी की जमीन पर कब्जे की फिराक में भूमाफिया। एक्शन बोर्ड में दिखी पुलिस, प्रशासन अवैध खाद कारोबारी माफिया की संपत्ति को। महाराष्ट्र से अयोध्या दर्शन करने पहुंची महिलाएं, महिलाओं ने राम जन्मभूमि मंदिर का किया दर्शन। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर, आपके साथ मैं हूं आफीफा मलिक। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। मथुरा में भाजपा नेता पीयूष धनगर के नेतृत्व में थाना यमुना पार्क क्षेत्र के लोगों ने अपनी समस्या को लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा, जिसमें रेलवे लाइन की दोनों ओर बाउंड्री वॉल का कार्य रेलवे द्वारा चल रहा है। क्षेत्रवासियों ने आरोप लगाया है कि वार्ड नंबर 4 की मुख्य पैदल मार्ग है, जो कि प्राचीन समय से मार्ग है, जिसमें रेलवे लाइन के लगभग 6 से 7 गांव की आबादी करीब 30,000 के लिए यही से मुख्य रास्ता है और दुर्वासा ऋषि मंदिर के लिए ब्रज यात्रा भी यहीं से गुजरती है। इसके अलावा बच्चों को स्कूल जाने के लिए भी यही रास्ता मिलता है। ज्ञापन में मिलने अधिकारी से मांग की गई कि उक्त रास्ता बंद ना किया जाए, बल्कि एक अंडरपास बनवा दिया जाए, जिससे किसी भी प्रकार के जोखिम और अनहोनी घटना से बचा जा सके। भैया ये है कि रेलवे वाले बाउंड्री लगाते आ रहे हैं, ये पुरखों की मतलब रास्ता चली आ रही, 100 साल पुरानी रास्ता है, वो उसको बंद कर रहे हैं। वहाँ से बच्चे भी जाते हैं, बड़े बूढ़े भी जाते हैं, कोई डेथ हो जाती है उसको भी वहीं होके ले जाते हैं। इस रास्ते को बंद इसलिए आए हम, तो ये रास्ता मरी के बालक ने पुलिया चाहते हैं, 10 फुट की 8 फुट की निकल जाए रास्ता, निकल जाए 5-6 गाँव है उधर, किशनगंज, हंसगंज, ईसापुर, डेंगरा, शांति आश्रम। राजधानी लखनऊ में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव लोकसभा चुनाव 2024 से पहले एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। आज यानी कि सोमवार को अखिलेश यादव ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से लेकर जनेश्वर मिश्रा पार्क तक PDS साइकिल यात्रा निकाली। इस साइकिल यात्रा में अखिलेश यादव के साथ सैकड़ों की तादाद में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का हुजूम देखने को मिला। वही देखिए हमारे संवाददाता समीर खान की ग्राउंड रिपोर्ट। समाजवादी की PDS साइकिल यात्रा लगातार बढ़ती चली आ रही है। घूमते हुए बंदे को बस्तों में साइकिल यात्रा है, जिसमें लगातार समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, पूर्व मुख्यमंत्री, लगातार साइकिल चलाते हुए दिख रहे हैं। अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए लगातार साइकिल चला रहे हैं। इस कड़ाके की धूप में आप देख सकते हैं समाजवादी पार्टी का कारवां आप देख सकते हैं किसी तरह से पीछे चला आ रहा है। सैकड़ों की तादाद में कार्यकर्ता मौजूद हैं और साइकिल लगातार चला रहे हैं। अखिलेश यादव ने समाजवादी सरकार में जितने भी विकास कार्य लखनऊ के अंदर किए हैं, उन्हीं विकास कार्यों से होते हुए साइकिल यात्रा लगातार निकाल रहे हैं। आप देख सकते हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की गाड़ियां निकल रही हैं, वहीं लगातार कार्यकर्ता साइकिल PDA पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक को लेकर समाजवादी पार्टी लगातार साइकिल यात्रा चला रही है, अपने विकास कार्यों को दिखाने का काम कर रही है। कैमरामैन से कहेंगे लगातार आपको दिखाते रहे किस तरीके से साइकिल यात्रा चल रही है। आप देख सकते हैं साइकिल यात्रा जिसमें खुद स्वयं अखिलेश आ रहे हैं, लगातार लगातार अखिलेश यादव का चले में साइकिल यात्रा में लगातार साइकिल चलाते हुए चले आ रहे हैं। इस समय चले गेट नंबर 7 की साइकिल चलाते जा रहे हैं। आप देख सकते हैं अखिलेश यादव खुद स्वयं साइकिल चला रहे हैं इस तेज धूप में अपने कार्यकर्ताओं के साथ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव साइकिल यात्रा में मौजूद हैं। हुजूम आप देख सकते हैं कितना हुजूम है, कितनी सैकड़ों की तादाद में कार्यकर्ता मौजूद हैं, कहीं भी कार्यकर्ता कम नहीं दिखाई दे रहे हैं। लगातार कार्यकर्ताओं का काफिला बढ़ता जा रहा है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता लगातार दौड़ रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं और कहीं ना कहीं अखिलेश यादव इससे संदेश देना चाहते हैं कि यूपी में सबसे ज्यादा वर्चस्व अगर किसी का तो समाजवादी पार्टी का है। ये इंडिया गठबंधन को दिखाने का काम कर रहे हैं अखिलेश यादव। वही मथुरा के सभी ग्राम प्रधानों ने अपनी 15 सूत्रीय मांगों को लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान आवाज उठाई गई कि ग्राम पंचायत अगर प्रस्तावित कार्यों से अलग गौशाला या शासन के द्वारा अन्य कार्य कराते हैं तो अलग से फंड दिया जाए। साथ ही ये भी कहा गया कि ग्राम पंचायत पर शासन के आदेश को थोपा ना जाए। प्रधान के खिलाफ कोई शिकायत करता है तो कम से कम 5 लोगों के शपथ पत्र के साथ ही उसे स्वीकार किया जाना चाहिए। ये भी मांग की गई कि अगर प्रधान निर्दोष पाया जाता है तो शिकायतकर्ताओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। ग्राम पंचायत के विकास कार्यों में कोई खामी पाई जाती है तो इसकी जिम्मेदारी संबंधित अधिकारी और फर्म की होनी चाहिए। हमारे प्रधान संगठन की 15 सूत्रीय मांग है, इसमें मुख्य मांग है
जो किसानों के अधिकार छीन लिए गए हैं, उनको बाहर किया गया, इनके खिलाफ FIR की गई, उनको वापस लिया। दूसरी मांग यह है कि शासन की मंशा है कि हर ग्राम पंचायत में RCC सेंटर एवं पानी के लिए टंकियों का निर्माण हो रहा है, जिसमें जमीन की आवश्यकता होती है, जिसमें भू प्रबंधक समितियों द्वारा प्रस्ताव का पारित करके जमीन जो है चिन्हित कर दी गई है, परंतु लेखपाल और SDMO द्वारा उन जमीनों को खाली नहीं किया। तीसरी मांग यह है कि हमारे जो 14वें वित्त में जो हमको पैसा मिलता था विकास कार्य के लिए, वो 15वें वित्त में हमारा जो है 40% कम कर दिया, अब पैसों को बढ़ाया जाए और प्रधानों की सुरक्षा के लिए, क्योंकि प्रधानों जो पार्टी पॉलिटिक्स में आता है NCR के साथ। सरकारी जमीनों पर हो रहे कब्जे को लेकर उत्तर प्रदेश की सरकार सख्त रुख अपनाए हुए है, उसके बावजूद भी भूमाफिया सरकार के आदेशों की जमकर धज्जियां उड़ा रहे हैं, सरकारी जमीनों पर कब्जा करने से बाज नहीं आ रहे हैं। कुछ ऐसा ही मामला रायबरेली से सामने आ रहा है, जहां पर आबादी की जमीन पर भूमाफियाओं के द्वारा जबरन अवैध निर्माण कराया जाने की कोशिश की जा रही है, जिसको लेकर ग्रामीणों का एक समूह जिलाधिकारी से मिलकर उनको अवगत कराया कि ग्राम समाज में आबादी की जमीन पर कुछ लोगों के द्वारा कब्जा करने की कोशिश की जा रही है, जबकि उस जमीन पर लोगों का आवागमन होता है, गाँव के सारे मांगलिक कार्यक्रम इस जमीन पर होते हैं, यही नहीं उस जमीन पर आंगनबाड़ी भी प्रस्तावित है, उसके बावजूद दबंगों से अपना निर्माण करवाना चाह रहे हैं वहां पर। यह है कि 20-25 परिवारों का आने जाने का रास्ता बिल्कुल बंद है और इन दबंगों द्वारा जो है चेक नंबर 480-481 उस पर भी धान की फसल लगाए हुए हैं, और जो 483 भूमि नंबर है उस पर हमारा आंगनबाड़ी केंद्र प्रस्तावित है, उस रास्ते पर ये जो है मकान बनाना चाह रहे हैं। लखीमपुर खीरी में पुलिस प्रशासन एक्शन मोड में नजर आ रहा है, जहां अवैध खाद कारोबारी माफिया द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गई संपत्ति को गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क किया गया। आपको बता दें कि अभियुक्त गैंग लीडर ने अवैध रूप खाद कारोबार करके अपने पुत्र और पत्नी के नाम फैक्ट्री स्थापित की थी, बड़े पैमाने पर अवैध खाद का उत्पादन और विक्रय करते हुए अवैध धन अर्जित किया गया। इस गिरोह से पूर्व में अवैध उर्वरकों की भारी मात्रा में बरामदगी भी की गई, वहीं पुलिस प्रशासन की इस बड़ी कार्रवाई से अपराधियों और माफियाओं में हलचल मच गई। अयोध्या में महाराष्ट्र से पहुंची 150 महिलाओं ने राम जन्मभूमि मंदिर के दर्शन किए, जहां दर्शन के बाद कनक भवन में हनुमान चालीसा और राम रक्षा स्रोत का सामूहिक पाठ भी किया। संघ से संबंधित विश्व मांगलिक सभा द्वारा धर्म शिक्षा यात्रा पर ये महिलाएं निकली हैं। वह अयोध्या दर्शन करने के बाद महिलाएं प्रयागराज दर्शन करने जाएंगी। आपको बता दें महाराष्ट्र से पूजा देशमुख शुभांगीता के नेतृत्व में ये महिलाएं धर्म शिक्षा यात्रा पर निकली हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में प्रियंका शुक्ला पूजा तिवारी ने अयोध्या का दर्शन किया। धर्म शिक्षा यात्रा पर निकली महिलाओं ने राम मंदिर निर्माण की विशेषता जानी, वहीं अयोध्या के पौराणिक महत्व के बारे में भी जानकारी ली। धर्म संस्कृति विभाग की तरफ से हम यहाँ त्रिस्थलीय यात्रा हेतु आए हैं, प्रयागराज, अयोध्या और काशी, ये त्रिस्थलीय यात्रा थी, जिसमें धर्म जीवन दर्शन यात्रा इस हेतु हम यहाँ आए हैं, और उसका उद्देश्य भी यही है कि हमारे पूरे क्षेत्र से हमारी सभी महिलाओं को भारतीय संस्कृति परंपरा के योग्य से माध्यम से तीर्थ यात्रा का महत्व पटे और वो सब अपने क्षेत्र के लिए दे। हमारे साथ हमारी जो केंद्रीय राष्ट्रीय संगठन मंत्री है, हमारी राधिका कमाविजदार जी, इन्होंने ये यात्रा का आयोजन किया है और वो जानकारी वो आपको देंगे ही। हम हमारे क्षेत्र की 150 महिलाएं यहाँ पे आई है एकत्रित, यहाँ कनक भवन में हम सब आज अयोध्या आए हैं, राम जन्मभूमि के बड़े ही पावन दर्शन हुए हैं सबको। बड़ा सुंदर सा मंदिर बन रहा है जो बरसों से जिसकी राह देख रहे थे। हम सब एकत्रित यहाँ महिलाएं आई हैं पूरे भारत से, कनक भवन में बैठ के हमने हनुमान चालीसा का एकत्रित पठन किया है सामूहिक, और अभी राम रक्षा का भी पाठ सभी महिलाओं द्वारा यहाँ होगा। हम सब आज अयोध्या आए हैं, राम जन्मभूमि के बड़े ही पावन दर्शन हुए हैं सबको। बड़ा सुंदर बहरा
खराई से खबर आ रही है जहां जनता कोटे के चुनाव का इंतजार करती रही, लेकिन आरोप लगाए जा रहे हैं कि चुनाव ना करा के फर्जी तरीके से प्रधान के भाई को कोटेदार बना दिया गया, जिससे जनता में काफी आक्रोश है और जनता अधिकारियों पर नाराजगी जता रही है। ये पूरा मामला बहराइच तहसील मिहींपुरवा अंतर्गत ग्राम पंचायत बोझिया का बताया जा रहा है। जनता ने अपना गुस्सा जताते हुए कहा कि नए कोटेदार का 80% जनता ने विरोध किया, लेकिन इसके बावजूद भी प्रधान के भाई को कोटेदार बना दिया गया। जनपद बिजनौर के कांग्रेस के जिलाध्यक्ष शेरबास पठान के मेरठ जेल से रिहा होने के बाद उनके समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई। जेल से रिहा होने के बाद जिलाध्यक्ष भारी काफिले के साथ चांदपुर पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इस दौरान सुशील शर्मा, अभिमन्यु त्यागी और नजाकत अली के साथ नगर के तमाम लोग मौजूद रहे। बहराइच से एक हैरान करने वाला मामला सामने आ रहा है, जहां प्रेमी प्रसंग के चलते महिला अपने भांजे के साथ फरार हो गई। इस मामले की सूचना पर महिला के पति ने अपने 3 मासूम बच्चों के साथ जहर खा लिया। घटना की जानकारी मिलने पर परिजनों ने आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान पति की मौत हो गई। 3 बच्चों की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिनका जिला अस्पताल में उपचार चल रहा है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए मॉर्चरी में शव को रखवा दिया है। वहीं पुलिस का कहना है कि जांच पड़ताल की जा रही है, जो भी दोषी होगा उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अभी किसी भी तरफ से कोई तहरीर नहीं मिली है। 4 लोग आए हैं पॉइजनिंग के, उसमें 3 बच्चे हैं, एक 12 साल का, एक 8 साल का, एक 4 साल की बच्ची है और उसका पिता है। पिता काफ़ी गंभीर स्थिति में था, इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो चुकी है। 2 बच्चे अभी काफ़ी सीरियस हैं, छोटा वाला बच्चा है वो थोड़ा कम सीरियस है। पीडियाट्रिशियन ने भी देख लिया है, एडमिट कर लिया गया है। बाकी बच्चों का जनपद बहराइच के थाना रानीपुर क्षेत्र के क्षेत्र में रहने वाले एक धर्मचंद नाम के व्यक्ति ने, जो कि प्रथम दृष्टया मामला लग रहा है कि इनके पारिवारिक जो विवाद था उसके चलते ये परेशान थे, और इन्होंने अपने 3 बच्चों को जहर दिया और स्वयं भी जहर खा लिया। तो बच्चों का यहाँ पर चिल्ड्रन वार्ड में इलाज चल रहा है, और जो धर्मचंद हैं उनकी मृत्यु हो गई है। इस संबंध में रायबरेली में PET परीक्षा के दौरान 2 मुन्ना भाई पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। आपको बता दें, दोनों मुन्ना भाई किसी दूसरे की जगह परीक्षा दे रहे थे। CEO सदर अमित शाह के मुताबिक फिरोज गांधी डिग्री कॉलेज में पकड़ा गया मुन्ना भाई जौनपुर का रहने वाला है, जो अभिषेक यादव नाम के युवक की जगह परीक्षा दे रहा था। वहीं दूसरा मुन्ना भाई बिहार का रहने वाला है, जो प्रमोद कुमार नाम के युवक की जगह पर परीक्षा दे रहा था। जानकारी देते हुए CEO ने बताया, आरोपियों से पूछताछ की जा रही है और तथ्य संकलन के बाद ही कानूनी कार्रवाई की जाएगी। PET एग्जाम के दौरान थाना कोतवाली नगर के अंतर्गत एक इंस्टीट्यूट से एक मुन्ना भाई पकड़ा गया है, जो कि जौनपुर का रहने वाला है, जिसका नाम जितेंद्र यादव है, और वो जौनपुर के रहने वाले अभिषेक यादव की जगह एग्जाम देने के लिए आया था। उसको पकड़ के पुलिस अभिरक्षा में भेज दिया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है और नियमानुसार आगे कार्रवाई कराई जाएगी। साथ ही मलेरिया थाना के अंतर्गत भी एक मुन्ना भाई पकड़ा गया है, जिसका नाम दीपू कुमार है, जो कि बिहार का रहने वाला है, और वो जौनपुर के रहने वाले प्रमोद कुमार जो एग्जाम देने के लिए आया हुआ था, उससे भी पूछताछ की जा रही है और आगे जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार नियम कार्रवाई कराई जाएगी। PET की परीक्षा में आज सुबह की पाली में फिरोज गांधी डिग्री कॉलेज में एक लड़का जो किसी अन्य के स्थान पे परीक्षा दे रहा था, तो संदिग्धता के आधार पे उससे पूछताछ की गई और उसके बाद में पूछताछ के बाद ये पुष्टि हुई कि वो किसी अन्य के स्थान पे एग्ज़ाम दे रहा है। इसी तरीके से दूसरी पाली में फिरोज गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में भी एक लड़का इसी तरीके से संदिग्धता के आधार पर। सिद्धार्थनगर के उमा टेक्निकल डिग्री कॉलेज का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जहां संस्था संचालक छात्रा के साथ केबिन में अश्लील हरकतें की हैं। वहीं इस वीडियो ने क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। हालांकि वायरल वीडियो होने पर कंप्यूटर संचालक संस्था बंद कर फरार चल रहा है। वहीं वीडियो वायरल होने पर भाजपा मंडल अध्यक्ष ने पुलिस अधीक्षक पर तहरीर देकर घिनौना हरकत करने वाले संचालक के ऊपर सख्त कार्रवाई की मांग की है। लोटन में थाने के जस्ट बगल में एक उमा टेक्निकल डिग्री कॉलेज है, जहां ये छात्र छात्राओं को प्रशिक्षण दिया जाता है, कंप्यूटर का व अन्य तकनीकी शिक्षा दी जाती है। एक वीडियो वायरल हुआ, वहां के संचालक के अपने केबिन में बुलाकर एक छात्रा के साथ, उसी विद्यालय की छात्रा है, उसके साथ जो है अश्लील हरकत
घिनौना कृत्य देखा गया। जो मैं देखा तो मैं हैरान रह गया, अवाक रह गया। तत्पश्चात मैं तुरंत कोतवाल साहब को फ़ोन किया, ये क्या कहाँ का मामला है, क्या है। काफ़ी पता करने के बाद पता लगा कि ये संचालक हैं, ये इनका नाम लोग बता रहे हैं कि बाल गोविंद यादव, ये थाना मुकामी के अंतर्गत आते हैं, उनका पता लगा। इस तरह से वहाँ से बहुत सी छात्राएं मेरे मंडल की एरिए की बहुत पढ़ रही हैं। अब इस तरह से एक संचालक द्वारा असली हरकत करना ये अच्छा काम नहीं है। जब मैं कोतवाल साहब से इस में टेलीफोन से बात किया तो आनाकानी करने लगे तमाम कुछ। रायबरेली में पीईटी परीक्षा देने आई छात्रा ट्रेन से गिरकर घायल हो गई। जानकारी के मुताबिक छात्रा जौनपुर की रहने वाली है और रायबरेली के वैदिक इंटर कॉलेज में परीक्षा देने आई हुई थी। यह हादसा रायबरेली जंक्शन रेलवे स्टेशन का है। परीक्षार्थियों की भारी भीड़ के चलते त्रिवेणी एक्सप्रेस पर चढ़ने के दौरान छात्रा का पैर फिसल गया और वो नीचे गिर गई। गनीमत ये रहा कि वो ट्रेन के नीचे नहीं आई। स्थानीय लोगों ने छात्रा को जिला अस्पताल में भर्ती कराया जहां उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। रेलवे स्टेशन पे एक छात्रा को कुछ चोट आई हल्की सी, तो उसके लिए उसे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में वहाँ पे भर्ती कराया गया है और कोई विशेष चोट वैसी नहीं है, उसकी कमर में हल्की सी चोट आई है। तो सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से आज रात में उसे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ही रोका जा रहा है। उनके परिजनों को भी सूचना दे दी गई है और उसके साथ में एक अटेंडेंट है, उसका दोस्त है। तो फिलहाल हम लोग भी उनकी निगरानी कर रहे हैं। और एग्ज़ाम देके घर जा रही थी अपनी, ट्रेन से गिर गई, भीड़ बहुत थी, बाहरी कोई चोट नहीं है, बस पीठ में दर्द। बांदा में एक घर में कोबरा निकलने पर हड़कंप मच गया। घर वालों ने कोबरा को भगाने के लिए घर में कंडे जलाए थे जिससे अचानक पूरे घर में आग लग गई और पीड़ित की जीवन भर की कमाई चंद मिनटों में जलकर राख हो गई। घटना की जानकारी मिलने पर फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, आग पर काबू पाया गया। पीड़ित के मुताबिक कुछ नकदी जेवर सहित कई क्विंटल अनाज जलकर राख हो गया। वहीं पीड़ित दिल्ली में रहकर मजदूरी करता है, घर में उसकी पत्नी और 5 बच्चे रहते हैं। पुलिस ने राजस्व विभाग को सूचना दे दी है और लेखपाल नुकसान का आंकलन करने में जुटा है। बिजनौर शहर में चोरों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं जहां अज्ञात चोरों ने बंद घर को अपना निशाना बना लिया। बता दें चोरों ने मकान का ताला तोड़कर नकदी सहित लाखों के गहने लेकर फरार हो गए। चोरी की घटना से इलाके में हड़कंप मच गया है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने फिलहाल मामले की जाँच पड़ताल शुरू कर दी है। तो ये दवाई बच्ची के लेने दिल्ली गई थी, दिल्ली का इलाज चल गया। एंड का बहन का नाम हमारी आसिया है। अच्छा। एक हमारे मामू की लड़की है, वो एपीआई है। अच्छा। तो वो मौत में गई थी अपने खालू के धनोरे में जी, उनके धनोरे में इंतकाल हो गया था, वो वहाँ चली गई थी। यहाँ कोई खबरों में फिलहाल इतना ही, जुड़े रहे आज की खबर के साथ ताजा तरीन खबरों के लिए।